ये देखो गाइस, हमारी सारी गोभी में कीड़े लग गए हैं। ये देखो सारी कीड़े लग गए हैं, सारा बर्बाद हो गया है। मिर्ची बिन रहे हैं, मेरी माँ क्या बोल रही है। ये देखो मेरी माँ गाली दे रही है, 24 घंटे वाले वीडियो बना रहा है। हेलो एवरीवन, सर सोनी नमस्कार, फिर ना मैं हूँ विक्रम राव, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमारे मस्त हुआ। और अभी जा रहे मैं और बुलबुल सिंह जा रहे खेतों में, पापा और भाभी जा रखे पहले से, तो हम लोग जा रहे हैं उनके लिए नाश्ता लेके। और आज हमारी है साठे की मंडाई, तो हम जा रहे हैं एक कट्टा नाश्ता लेके। ये देखो गाइस, एक कट्टा नाश्ता लेके जा रहे हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग सुबह आ गए थे और इधर सुंगर ने तो कुछ भी नहीं बचा रखा था। और हमारा लगभग पूरा मंड चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ये देखो गाइस, कितना ही बचा हुआ है, जो हम परसों इस खेत में आए थे जिसमें सुअर ने कुछ भी नहीं बचा रखा था, वो ये है। देखो कितना सा है, थोड़ा सा। और मेरे साथ आए थे जिम्मी भी, जिम्मी ने स्कूटी देखी और सबसे पहले बैठ गई और आते आते उसे ना धूप लग गई। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। भूख लगी है? भूख लगी है, धूप लगी है तुझे, बता क्या लगा है? अरे तो बड़ा कमीज फट लिया है, वो ले आई क्या? ये ले आओ, तुम क्या करना हो बटन नहीं सुनना। अरे इसने कर कमीज समायो गाइस। ये देखो मेरी मम्मी ने मेरे पापा की शर्ट ला रखी है यहाँ पर डराने के लिए, नई शर्ट है। बल आलू और रोटी, चाय भी है। ब्रेकफास्ट हो चुका है और साठी भी मंड चुकी है, और इसके बाद हम इसको पूरा जो पराल है उसको हम पेड़ पे लगाएंगे, और भी हम एक एक भारी करके उतर ले जाएंगे। और 3-4 भारी हो रखी है तो सारा एक एक भारी ले जाएंगे। अब एकदम धड़ के आलू नहीं पता रट नहीं है, सफेद रट वाला है तुम्हारा, क्यों रट है जरा क्यों उसके बाजार रचो वो तो बाजार आ गया जरा को अब होने वही तो रास्ता लगा खाने। और दोस्तों अभी 11 बज चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं साठी लेके, और घास वगैरह साथ में लेके आते हैं। और अभी आपको मौसम दिखाते हैं, मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, हल्की हल्की धूप है, नीचे साइड पूरा बादल आ चुके हैं, इधर साइड पूरा बादल आ रखा है। और ये सामने रहा हमारा गांव, घर उधर सामने दिख रहा है। और ये देखो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा, अभी हल्की हल्की बादल आ रखे नीचे साइड, और अभी धूप बिल्कुल भी नहीं है।
और जैसे ही हम लोग घर आए वैसे ही हमारे घर में पहुंच चुके थे गेस्ट। और ये लोग हैं बुआ की बड़ी वाली बहू और दीदी लोग हैं। तो ये लोग यहाँ पे ले जा रहे हैं हमारे जिम्मी का जो बच्चा है उसको ले जा रहे हैं। तो आज हमारा जिम्मी का बच्चा भी जा चुका है। प्रणाम कर दीजिए। और भाभी जाते जाते इमोशनल हो गई है और हम सबको भी इमोशनल कर दिया है। सच में यार बहुत बेकार लगता है ऐसे में। और गाइस अभी बज चुके हैं दोपहर के, नहीं डेढ़ बज चुके हैं। और अभी हमारा खाने की तैयारी है और फिलहाल मैंने मुंह पे कुछ लगा रखा है। और अभी मेरी मम्मी और मेरी भाभी जा रखी है खेतों में, मतलब बगीचे में। हम थोड़ी देर पहले आए, ये रहा हमारा गौशाला। और अब को दिखाते हैं, देखो मिर्ची बिन रहे हैं। मेरी माँ क्या बोल रही है, ये देखो मेरी माँ गाली दे रही, 24 घंटे वाले वीडियो बना रहा है। ये देखो गाइस ये हमारी मिर्ची और क्या है, और ये मिर्ची बिन रही है। वो मिर्ची ना डाले हैं क्यों, मर्चे के नहीं हलवा है साल। और मिर्ची में दाग लगेगा। ये देखो गाइस हमारी सारी गोभी में कीड़े लग गए हैं। ये देखो सारे कीड़े लग गए हैं, सारा बर्बाद हो गया है। इतने पूरे टाइम के जितनी मेहनत थी ना, ये देखो ये पूरा कीड़ा लग गया इस पर, ये खाने के लायक ही नहीं बचा है। क्या देखो, और गाइस अभी हम आ रखे हैं घास के लिए। और हम आए थे घर से 3 बजे, और मैं हूँ, भाभी है और बीबू की मम्मी है। तो हमने आज 3 भारी घास ले जाना है जंगल से। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा हेल्प कर लेता हूँ। तो फिर यहाँ से हम स्कूटी से ले जाएंगे एक एक करके। फिर आराम ने काट ही लिया घास, अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और हम 3 बजे घर से आ गए और 11 बजे हम खेत से आए थे। वहाँ से भी हम 2 भारी घास लाए थे। बहुत डिफ़िकल्ट होता है भाई पहाड़ी लाइफ। और हमने आधे घंटे में 3 भारी घास काट लिया हम तीनों ने, मैंने और भाभी ने और बीबू की मम्मी ने। और अभी देखो बारिश आ गई उस साइड से, भयंकर बारिश आ गई। हम शायद यहीं भीग जाएंगे अभी। ये देखो इधर साइड बहुत तेज़ बारिश लगी उधर। और वो सुगढ़ गाँव है, सुगढ़ के गाँव के ऊपर देखो भयंकर बारिश लगी, उधर मच्छर भी काट रहे यार। और गाइस अभी बज चुके हैं 5 बजने वाले हैं और हमें पूरा 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि आधे घंटे में हम वहीं तक गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। हम 3 भारी घास लाए थे और मतलब बहुत तेज़ बारिश लगी थी यार। 1 भारी तो मैं स्कूटी में लाया और 2 भारी वो लोग ना एक ट्रक में लाए थे। वो तो शुक्र हुआ कि ट्रक आ गया, नहीं तो मेरे को 2 चक्कर और मारने थे। बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है। ए जिमी गाय, इसका बच्चा आज ना वो भाभी लोग ले गए और ये ना अपना बच्चे को ढूंढ रहा है। ये तब से ही भटक रहा है इधर उधर, इसको बच्चा ही नहीं मिल रहा है। और गाइस अभी हम खाना खाने के बाद खज्जा भून रहे हैं, क्योंकि अभी 1-2 दिन में देहरादून चले जाएंगे ना। तो अभी हम खज्जा भून रहे हैं क्योंकि देहरादून में खज्जा लेके जाऊँगा। तो मेरी माँ भून रही खज्जा और माँ के साथ मैं थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको बहुत जल्द नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए जय माता दी।